If I ask you today, what is the biggest challenge of parenting these days, what would be your answer? Most of you would say excessive use of mobile in children. And that's what I'm going to talk about in today's video. जी हाँ, आज मैं बात करूँगी कि बच्चों में मोबाइल की लत क्यों और कैसे लग जाती है और उन्हें इस मोबाइल एडिक्शन से हम कैसे बचा सकते हैं. So stay tuned with me. My name is Trilekha and you're watching Lottolearn. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे क्यों और कैसे मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं और आप इस लत को छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों में मोबाइल की लत क्यों और कैसे लग जाती है, बजाय इसके कि उस लत को हम कैसे छुड़ाएं. जब कभी आप घूमने जा रहे हों और रास्ता 10 या 15 मिनट का हो और उस समय बच्चे बोर हो रहे हैं, आपने उन्हें मोबाइल पे बिज़ी कर दिया. आप अगर किसी वेडिंग की शॉपिंग के लिए किसी शॉप में गए हैं और वहाँ बच्चे आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने उन्हें बिज़ी करने के लिए मोबाइल थमा दिया. मान लीजिए आप कुछ कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई दूसरा बच्चा नहीं है. उसने आकर कहा, मैं अकेले क्या खेलूं, और आपने उसे मोबाइल पे बिज़ी कर दिया. आपके कुछ फ्रेंड्स घर पर आए हैं और आप उनसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के बात करना चाहते हैं, तो आपने बच्चों को मोबाइल थमा दिया. तो आपने देखा कि बच्चों को ये आपने ही बताया है कि जब हम बोर होते हैं तो मोबाइल देखा जाता है. पूरी तरह बच्चों को गैजेट से दूर करना इम्पॉसिबल है और प्रैक्टिकली सही भी नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल एरा में रहते हैं जहां हम हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं. बच्चे जब बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए मना करें तो ये आपके लिए चेतावनी है उनके मोबाइल एडिक्ट होने के. अगर वो सिर्फ मोबाइल पर ही खुश रहें जब वो गेम्स खेल रहे हैं, उसी वक्त खुश हैं, और अदरवाइज़ वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं, तो भी ये आपके लिए अलार्मिंग साइन है. आप कहीं डिनर के लिए गए हैं और वहाँ भी उन्हें मोबाइल चाहिए. ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपके बच्चे को मोबाइल की लत लग चुकी है. इससे स्पाइनल कॉर्ड, नेक पे तो असर पड़ता ही है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. आप कार में बच्चे को मोबाइल देकर उससे नेचर इन्जॉय करने का, ट्रीज को देखने का, रोड्स को देखने का मज़ा छीन लेंगे. अगर आप उसे शॉपिंग करते वक्त मोबाइल देंगे तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि हर चीज़ के लिए पैसे देने होते हैं और हर चीज़ लेने से पहले उसे बहुत देखा और परखा जाता है. आसपास कोई बच्चा ना होने पर खुद को क्रिएटिवली कैसे बिजी करना है, ये आइडियाज़ उसके दिमाग में आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसे पहले ही मोबाइल में बिजी कर दिया. आइए कुछ टिप्स देखते हैं जिससे आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल टिप इज़ दैट फर्स्ट यू शुड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल व्हाइल हैविंग डिनर और इन एवरी 5 मिनट्स यू शुड नॉट चेक योर मोबाइल. अगर आप ही खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चे खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे. आफ्टर ऑल बच्चे हमें ही देख के सीखते हैं. तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप खुद अपने आप पे कंट्रोल करें मोबाइल को यूज़ करते वक्त. कभी भी बच्चों से ये ना कहें मोबाइल छीन कर हर समय मोबाइल में बिज़ी रहते हो. इनफैक्ट ये ट्राई करें, आप उनसे कहिए, अरे आप बिज़ी हो वरना हम पिलो फाइट करते, फिर देखिए क्या होता है. बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तब हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं जब हमें अपना काम करना होता है और वो बोर हो रहे होते हैं. उन्हें बोर होने दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए कि वो कैसे बिजी करें खुद को. इससे उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी. उन्हें क्ले दे दीजिए, हो सकता है वो आपसे कहें कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे क्या बनाऊं. उस वक्त आप मोबाइल में उन्हें क्ले वाले वीडियोस दिखाइए, इससे वो मोबाइल को क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है ये सीख जाएंगे. जब बच्चे आपसे मोबाइल मांगे तो आप उन्हें कुछ अच्छा सा ऑप्शन दें, जैसे कि आप कहें आपको मोबाइल चाहिए या फिर आप अपने टॉयस को टब में पानी भरकर नहलाना चाहोगे, कुछ ऐसा जो बहुत मज़ेदार हो. जब भी बच्चे अपना मोबाइल टाइम सैक्रिफाइस करें तब आप उन्हें प्रेज ज़रूर करें, उनकी तारीफ़ करें कि वाह आपने कितना अच्छा काम किया, मोबाइल ना देके आपने ये चीज़ की.
घर में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, दूसरे मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद इस समस्या से निपटना होगा। बी फर्म, बी स्ट्रिक्ट, मेक रूल्स। उनके लिए ये रूल बना दीजिए कि दिन भर में आपको सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन टाइम मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि वो टाइम आपको टीवी देखनी है, मोबाइल देखना है या फिर गेम्स खेलने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी कार्टून शो की लत लग गई है, तो आप कुछ दिन के लिए अपना इंटरनेट बंद कर दें। आई एम श्योर आपके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप से ज़्यादा ज़रूरी आपके बच्चे हैं। और हाँ, कभी भी बच्चे को मोबाइल लेकर घर के किसी कोने में अकेले बैठकर कुछ भी ना देखने दें। ऑलवेज कीप एन आई ऑन देम व्हाट दे वॉचिंग। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में बच्चों के लिए किड्स मोड होती है, जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं और कुछ देर बाद फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे YouTube देखें, तो आप उन्हें YouTube किड्स दिखा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ लिमिटेड मैनर में करिए। टिप्स तो बहुत है मेरे पास, पर टाइम कम है। आई हैव अ डॉटर हु वॉचेज मोबाइल एंड शी डज इट विथ क्रिएटिविटी, बट स्टिल आई कीप एन आई ऑन हर एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन डू दैट। If you like this video, drop a comment. Don't forget to share it with others and subscribe to my channel. मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं न्यू वीडियोस कब डालती हूँ। और कमेंट करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं, आपको कमेंट बॉक्स मिलेंगे, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।